शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवसेना शहर प्रमुख ने पत्नी और गिरोह की मदद से कई गंभीर आपराधिक मामलों को अंजाम दिया है। प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री की आड़ में लोगों को धमकाया गया। हुड़केश्वर, सकरदरा और अंबाजरी थाने में प्रकरण दर्ज है। आरोपी फिलहाल फरार है। शिवसेना शहर प्रमुख आरोपी मंगेश श्यामराव जी कड़ौ डोंगरे लेआउट अभ्यंकर नगर निवासी है। मारनेवाड़ा रोड पर अमृता अपार्टमेंट में उसके दुकानों के कमरे हैं। नवंबर 2013 में पूर्व पार्षद निमिषा शिर्के के पति देवानंद बाबा साहब शिर्के ने खुद के और अपने बड़े भाई राजेश शिर्के के नाम पर ऐसे कुल 3 दुकानों के कमरे खरीदे थे। देवानंद ने मंगेश को 18 लाख रुपए नगद और चेक दिए थे। बाकी की रकम 3.5 लाख रुपए रजिस्ट्री लगाते वक्त देने का तय हुआ था, लेकिन मंगेश रजिस्ट्री करने में टाल मटोल करते रहता था। इस बीच मंगेश ने बेचे गए कमरे बैंक में गिरवी रखकर उस पर 50 लाख का कर्ज ले लिया। पता चलते ही देवानंद ने दुकान की रजिस्ट्री अथवा रकम वापस करने के लिए कहा तो मंगेश ने जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपयों की मांग की। परेशान देवानंद ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। उपचार के दौरान अस्पताल में उसने पर्ची लिखी थी जो उसकी पत्नी निमिषा के हाथ लगी। तो दूसरे प्रकरण में 1.5 करोड़ की मांग, यह मामला अंबाजरी थाने में दर्ज हुआ है। शिवाजी नगर निवास उद्यमी विक्रम लाभे वर्ष 2012 में पुरानी लेआउट भरतनगर में मकान खरीदी किया था। ताला लगा होने से मंगेश की इस मकान पर नजर पड़ी। विक्रम बंगलुरु में रहता था। वर्ष 2019 से 27 जून 2020 के बीच मंगेश ने 3 साथियों की मदद से नकदी आभूषण सहित कुल 5 लाख रुपए का माल मकान से पार कर दिया। पता चलते ही विक्रम नागपुर आया और मंगेश से बात की। मंगेश और उसके साथियों ने उसकी पिटाई की तथा मकान का कब्जा छोड़ने के बदले में 1.5 करोड़ रुपए मांग की। तो तीसरे प्रकरण में दिनेश आदमने नामक व्यक्ति को भी मंगेश ने मानेवाड़ा रोड स्थित अमृति अपार्टमेंट का फ्लैट 16 लाख रुपए बेचा था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की। रकम वापस मांगने पर 5 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन बैंक को अर्जी देकर रकम ट्रांसफर होने से रोक दी गई थी। इस बीच मंगेश ने पत्नी रुचिता के नाम पर दिनेश को बेचे गए फ्लैट का एग्रीमेंट तैयार किया और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में फ्लैट को गिरवी रखकर कर्ज लिया। आमच्याकडे मंगेश कडव याच्याबद्दल जे आहे भरपूर तक्रारी आल्या होत्या। त्याच्यामध्ये जे 2 तक्रारी होत्या, एक अंबाझरी पोलीस स्टेशनमध्ये, एक सकरदरा पोलीस स्टेशनमध्ये, याचे जे फिर्यादी आहे त्यांनी येऊन जी तक्रार दिली ते काफी जे खूप गंभीर स्वरूपाची होती। त्याच्यामध्ये जे सकरदराला आहे निमिषा शिर्के आणि त्यांचे हस्बंड यांनी तक्रार दिली होती किंवा त्यांनी एक जे आहे दुकानासाठी करारनामा केला होता मानेवाडा रोडवरती, पण त्यांना दुकानाची रजिस्ट्री करून दिली नाही। त्यांचे जे आहे 30 लाख रुपये तेही परत केले नाही आणि त्यांना धमकी देणं सुरू होतं की बा दुकान खाली करा नाहीतर त्याचे परिणाम भोगावे लागेल। तर असं करून आणि त्याच फ्लॅटवर त्याने जे आहे दुकानावरती बँकेकडून लोन घेऊन स्वतःच्या नावावर ते दुकान करण्याचे काम सुरू केलं होतं आणि त्यां सतत जे आहे धमकावण्यामुळे त्याच्या जे पती आहे त्यांनी सुसाईड करण्याचा प्रयत्न केला 2 दिवसाआधी। त्याच्यावर जे आहे ते चारशेवीस आणि इतर गंभीर स्वरूपाचे जे आहे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे सकरदरा पोलीस स्टेशनला, आणि सोबतच जे आहे ते अंबाझरी पोलीस स्टेशनलाही जे आहे जे लाभे परिवार आहे यांचा एक बंगला तिथे होता, तो बंगला त्यांनी जे आहे कायदेशीररित्या जे आहे विकत घेतलेला आहे, ज्यामध्ये त्याच्यात रजिस्ट्री, RL, आखीव पत्रिका सर्व असल्यावरही कोरोनाच्या काळात ते तिकडे येऊ शकले नसल्यामुळे जे आहे त्यांच्या घरावरती ताबा जे आहे मंगेश कडवने घेतलेला आहे। आणि इतरही अजून बऱ्याचशा तक्रारी आमच्याकडे आहे, त्याच्यावरही जे आहे ते इन्क्वायरी सुरू होऊन पुढील तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।